टारगेट जो है ना वो आसानी से चेस कर लेता है। पाकिस्तान में ये क्वालिटी है कि वो टारगेट जो है वो चेस कर लेता है। अगर लेकिन ज्यादा टारगेट हो, अगर 300 प्लस हो तो फिर तो हमसे चेस नहीं होता, फिर तो हम अंडर प्रेशर हो जाते हैं। हाँ नहीं, ये तो आपकी बात ठीक है। तो देखिये पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ अभी पिक्चर रिलीज हुई है कि वो एक साथ में इकट्ठे खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। अगर अगर नहीं अगर ग्राउंड में काउंट होती है जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना बंदे की, वो तो सबसे हमारे जो, मेरी बात सुने, हमारे जो प्लेयर है ना अगर वो विन करें या किसी खिलाड़ी को आउट कर लें या हमारा कोई प्लेयर सेंचुरी कर ले, 50 कर ले, वो सहीदे में चला जाता है। और जो इंडिया वाले हैं वो तो जनाब बढ़ के मारते हैं फजूल किस्म के। पाकिस्तान वाले हैं मेरे ख्याल में ज्यादा जो अग्रेसिव होते हैं। एक ओवर ही जो पूरा गेम चेंज कर देता है। एक ओवर के अंदर 6 बाले होती हैं और 6 बालों पे 6 छक्के भी लग सकते हैं और 6 बालों पे 6 आउट भी हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कल कोई भी टीम जीत सकती है, तो इस चीज को पॉजिटिव लें, पॉजिटिव थिंकिंग में जाएं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तानी जो क्रिकेट शायकीन हैं उनके दरमियान में, और कल को जो मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का एक ज़बरदस्त किस्म का मैच, उसको लेकर ये बहुत ही पुरजोश हैं, बहुत ही ये एक्साइटेड हैं। और इनसे जानेंगे कि पिछले जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो है एशिया कप में इंडिया का पलड़ा भारी रहा, लेकिन पिछला जो मैच हुआ था जो बारिश की वजह से अनकम्प्लीट रहा, उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को जल्दी तो आउट कर लिया था, लेकिन दूसरी इनिंग जो पाकिस्तान ने जिसमें बैटिंग करनी थी वो बारिश की वजह से ख़त्म हो गई। तो हम इनसे जानेंगे इनकी क्या राय है, कल जो मैच होगा उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, पाकिस्तानी अगर बॉलिंग पहले आती है तो पाकिस्तान कितने में इंडिया को आउट कर लेगा, और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा तो कितना स्कोर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम जी? जी राणा अब्दुल खालिक मेरा नाम है जी। जी राणा साहब, बताइएगा कल को मैच कैसे आप देख रहे हैं, कैसे परफॉर्मेंस रहेगी पाकिस्तान टीम की? सर कल का जो मैच है ना, एक तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान विन करेगा, और दूसरा ये है कि ये मैच नहीं होता इंडिया के खिलाफ, जो भी मैच होता है वो हमारी एक किस्म की जंग होती है, क्योंकि सब जो है ना पाकिस्तानी वो इस चीज़ को इस तरह लेते हैं कि हम मैच नहीं खेलना, हमने इंडिया से जंग खेलनी है। तो इंशाल्लाह ताला कल इंडिया को हम भागने नहीं देंगे, क्योंकि अब तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि खुदा ना खास्ता अगर कल बारिश आती है तो बारिश वाले दिन जो कल मैच जहां से ख़त्म होगा नेक्स्ट डे वहां से फिर दोबारा शुरू होगा। तो इसको क्रिकेट मैच नहीं देखना चाहिए, हम जंग की तरफ क्यों ले जाते हैं कि ये हमारी इंडिया के साथ जंग है? अगर अगर बात की जाए तो वर्ल्ड कप में या एशिया कप में पाकिस्तान तो हमेशा से हारता रहा है इनसे, तो इसका मतलब है फिर हम हारते ही रहे, जंगे भी हारते रहे और ये मैच भी हारते रहे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको तासरात बता रहा हूँ, अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, जो लोगों की होती है वो मैं फीलिंग बता रहा हूँ अपनी। पाकिस्तान बहरहाल हमसे भारी नहीं है, इंशाल्लाह ताला कल हम विन करेंगे। इंडिया हमसे भारी नहीं है, सॉरी, इंशाल्लाह कल हम विन करेंगे, हर सूरत विन करेंगे इंशाल्लाह। कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो आप समझते हैं, कोई कौन बताएगा कि कल आप वो परफॉर्म करेंगे पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक में, कौन से खिलाड़ी कौन ज्यादा? इंशाल्लाह ताला फौजी चलेगा हमारा फखर जमान, ठीक है। इंशाल्लाह ताला वो काफी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहा, माशाल्लाह उसने पिछले काफी मैच खेले। कल आपको कैसे पता कल वो परफॉर्म करेगा? हमेशा हमारा ये हमारा इस पे है यकीन है कि वो इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है। माशाल्लाह उसका फर्स्ट मैच था, उसने 149 खेले थे इंडिया के खिलाफ, फर्स्ट सेंचुरी मारी, उसको एक चांस दिया था कैच छोड़ के, पर दूसरा मैच उसने ठोक के उसने बताया था पूरी सेंचुरी क्लियर करके। इंशाल्लाह ताला हमारा कल फखर भी खेलेगा और बाबर भी, 19 सेंचुरी उसकी पक्की है, पर इंशाल्लाह ताला वो सेंचुरी जरूर मारेगा। आप क्या समझते हैं जी कल पाकिस्तान कितना स्कोर कर लेगा इंडिया के खिलाफ अगर बैटिंग पहले होती है तो? देखें होना तो 300 प्लस ही चाहिए, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह मेहरबानी करे। ओपनिंग अच्छी जा रही है हमारी, काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अरसे से ठीक जा रही है, तो जैसे भाई ने बताया कि फखर उम्मीद है उसके। सिर्फ फखर ही है पाकिस्तान के पास, और कोई खिलाड़ी नहीं है? बहुत है, बाबर है वो जो हमारे कैप्टन है माशाल्लाह, तो बहुत अच्छे हैं, उनकी तो खान साहब ने भी तारीफ की हुई है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इंशाल्लाह ताला ये 100 से ऊपर लेके जाएंगे, 150 इंशाल्लाह, और बाकी अगर जो कसर रह जाएगी तो हमारे पास एक चाचा जी हैं इफ्तिखार साहब उर्फ चाचा जी, इंशाल्लाह वो इंडिया को जो है ना वो आड़े हाथों लेंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसा भी है आप में से कोई जो समझता हो कि नहीं इंडिया की टीम भी हमें टफ टाइम देगी और जीत भी सकती है, कोई समझता आप में से कोई ऐसे? हमें इंडिया की टफ टाइम जरूर देगी, नो डाउट। इंडिया में बहुत अच्छे प्लेयर हैं खेलने वाले, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव है, शुभमन गिल इनका नया आया बैट्समैन, पर इंशाल्लाह ताला ये जो इनका नया परफॉर्म करने वाला पीछे बैट्समैन जो आया, नया प्लेयर आया है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की बॉलिंग का कुछ भी नहीं है, ये खाक बराबर है, ठीक है। ये इनका एक सिर्फ गुरूर है कि हमारा ये प्लेयर खेला गया, ये प्लेयर का ना हमारा, माशाल्लाह नसीम शाह, हारिस रऊफ। आखिरी मैच में जो हमारा हुआ था एशिया कप में,
पाकिस्तान ने उनको 200 कितने में, 260 में, कितने में आउट किया था? 268 पे। तो अगर पाकिस्तानी टीम के कोई खिलाड़ी स्टार्ट में ही आउट हो जाते तो पाकिस्तान तो 200 से पहले आउट हो जानी थी। नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारे हर प्लेयर में 7वें 8वें बैट्समैन आल राउंड हमारे खेलने वाले माशाल्लाह हैं प्लेयर। कुछ बैट्समैन ये भी हैं जो टीक खेले थे। मेरे नजर में इमाम और फखर की जोड़ी बहुत अच्छी है, बाबर रिजवान की नस्बत। वो टुक टुक प्लेयर है, मशाल्लाह फखर और रिजवान तेज खेलने वाले प्लेयर है माशाल्लाह दोनों। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कल ये दोनों ओपनर आके। आप क्या समझते हैं जी कल क्या होगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। कैसे? बैटिंग करके। पहले बैटिंग करेगा, जो भी करे हमें विन चाहिए। यानी बैटिंग के सर पे जीतेगा, बॉलिंग के सर पे? बॉलिंग अटैक हमारा ज्यादा तगड़ा है, बॉलिंग पे इंशाल्लाह हम जीतेंगे। चेस कर लेते हैं हम, टारगेट जो है ना वो आसानी से चेस कर लेता है। पाकिस्तान में ये क्वालिटी है कि वो टारगेट जो है वो चेस कर लेता है। अगर लेकिन ज्यादा टारगेट हो, अगर 300 प्लस हो तो फिर तो हमसे चेस नहीं होता, फिर तो हम अंडर प्रेशर हो जाते हैं। हाँ नहीं, ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है कि 300 प्लस नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे जो बॉलर है ना वो इंशाल्लाह दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं आजकल, जो बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करेगा, आप भी कोई दुआ करें, हम भी करते हैं, पाकिस्तानी टीम भी मेहनत करेगी तो कल जीतेंगे इंशाल्लाह। हम तो दोनों टीमों के लिए मैं तो दुआ करूंगा, दोनों टीमें अच्छी खेलें और मैच अच्छा हो, अच्छी क्रिकेट हो। तो ये आप सब भी क्रिकेट के शौकीन है, क्रिकेट खेलते भी हैं, आप बताएं जी कल क्या होगा? कल पाकिस्तान विन करेगा इंशाल्लाह। अगर इंडिया कर गया फिर? नहीं, इंडिया की सूरत पैदा नहीं होती, इंडिया विन कर जाए। वजह, इंडिया के खिलाड़ी अच्छे नहीं है, इंडिया के पास प्लेयर अच्छे नहीं, बॉलर अच्छे नहीं, बैट्समैन अच्छे नहीं, क्या वजह? इंडिया को क्यों आप हल्का ले रहे हैं? सब इंडिया के पास सब कुछ है, पर इंडिया का जो गुरूर है वो इंशाल्लाह हम जरूर तोड़ेंगे। इंडिया का जो है गुरूर, उन्होंने क्या किया? गुरूर यही है कि जैसे रोहित शर्मा खेलता है, अपने अफराद को समझता है, अपने अपने आप को समझता है। बहुत बॉडी लैंग्वेज तो देखे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ अभी पिक्चर रिलीज हुई है कि वो एक साथ में इकट्ठे खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। अगर अगर नहीं, अगर ग्राउंड में काउंट होती है जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना बंदे की, वो तो सबसे हमारे जो, मेरी बात सुने, हमारे जो प्लेयर है ना अगर वो विन करें या किसी खिलाड़ी को आउट कर लें या हमारा कोई प्लेयर सेंचुरी कर ले, 50 कर ले, वो सहीदे में चला जाता है। और जो इंडिया वाले हैं वो तो जनाब बड़के मारते हैं फजूल किस्म के, उनके पाकिस्तान वाले हैं मेरे ख्याल में ज्यादा जो अग्रेसिव होते हैं। रोहित शर्मा ने अपने इंटरव्यू में भी पिछले साल वो कहा था ना कि इनको मैं सिखाऊंगा कि कैसे बैटिंग करते हैं, फिर कोचिंग कैसे करते हैं इनको, मैं मशीन ने बताया था फिर उसको। नहीं तो अगर अगर आप समझते हैं कि अगर उनकी बैटिंग चल गई, इंडिया की बैटिंग चल गई, वो 300 प्लस स्कोर कर जाते हैं तो पाकिस्तान आया, पाकिस्तान के बैट्समैन अंडर प्रेशर नहीं हो जाएंगे? 300 स्कोर का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन दुनिया के नंबर 1 बॉलिंग लाइन है, तो उनके खिलाफ 300 करना, 300 कर लिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए, ये इंडिया की फतह हो जाएगी अगर 300 कर लिया इंडिया ने। बट साहब आप पीछे छुप के खड़े हैं, आप आ गए हैं ना, जरा आप बताएं जरा कि आप क्या समझते हैं कल को क्या बनेगा? कल पाकिस्तान जीतेगी, इंडिया जीतेगी, क्या होगा कल? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, अच्छा मुकाबला होगा, टफ टाइम देंगे दोनों एक दूसरे को, पर उम्मीदें इंशाल्लाह अपनी टीम के साथ ही 100% देगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। अच्छा आप में से कोई इंडियन प्लेयर को, कौन सा प्लेयर आप सबको अच्छा लगता है, कोई बताएगा? कौन? नो डाउट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर ऑल ओवर वर्ल्ड। उसके पास जो क्लास है वो मैं सीधा कहता हूँ वो बाबर आजम के पास नहीं है। कोहली का पर जो गुरूर है वो इंशाल्लाह उसको बहुत जल्दी डूबेगा, सीधी सी बात है वो माशाल्लाह। अच्छा, मुझे नहीं समझ आई, मैं तो मैच देखता रहता हूँ, मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई उन्होंने गुरूर किया कुछ किया ऐसे, पता नहीं आपको फील नहीं हुआ? दरअसल हमें बहुत फील हुआ, वो जैसा ही कोहली को कोई निफ सेंचुरी कर ले या किसी को आउट कर ले वो अपनी आंखें ऐसे निकालता जैसे कि उसने पता नहीं क्या मार्का मार लिया उसने। पर इंशाल्लाह ताला ये गुरूर का बहुत जल्द टूट जाएगा। बाबर आजम माशाल्लाह वैसे ही वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर बन गया, पर इंशाल्लाह ताला कोहली को, और विराट कोहली ने खुद तारीफ की कि बाबर आजम जो है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो वो देखें वो अगर उसके अंदर गुरूर होता तो कभी भी इसकी तारीफ ना करता। दरअसल बेसिक ये है कि वो मीडिया के सामने बैठ के बात करना और चीज है, ग्राउंड में हाथ दिखाना, उंगली दिखाना या आंखें निकालना ये और चीज है। ये तो करते रहते हैं खिलाड़ी एक दूसरे को, ऐसे करते रहते हैं खिलाड़ी, पर ये जो है ना ये कोहली की जो है ना, ये कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों बहुत ही ज्यादा आगे जाते हैं, अपने बहुत बड़ा प्लेयर समझते हैं, पर ये है नहीं। इनसे अच्छे कई पुराना प्लेयर ना वेस्ट इंडीज के जिसको खिलाड़ी कहा जाता है, ये तो उनके साथ छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे, ये तो उनको उठा उठा के मारेंगे ऐसे, ये छोटे बच्चे। पाकिस्तान फेवरेट है, जैसे कि आज उसने मिचेल मार्श ने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023-24 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल होएगा 23 का, वो मैं हम और पाकिस्तान ही खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। मतलब इस टाइम पाकिस्तान बहुत ऊपर ले लेवल पे चले गई हुई है, मतलब कि एक टीम होती थी 2011 में आप देखते थे 12 में, उसके मुकाबले में अब पाकिस्तान की टीम 100 गुना बेहतर खेलती है। बाबर आजम है नीचे मिडल ऑर्डर में, इफ्तिखार आ जाते हैं, सलमान आगा आ जाते हैं, रिजवान है, तो इंशाल्लाह उम्मीदें पूरी हैं, फहीम अशरफ है, ऐड हुए नहीं। अच्छा आप बताएं कि आपकी नज़र में कल कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगा,
क्या होगा कल? इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है। इंडिया के प्लेयर शुभमन गिल ने कहा था पाकिस्तान के नसीम, हारिश और शहीन ये बेस्ट बॉलिंग लाइन है, पर इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जीतेगा। तो कल अगर पाकिस्तानी बॉलिंग को छक्के पड़ गए फिर क्या होगा? कल बारिश आ जाएगी फिर। यानी के फिर बारिश की दुआ करेंगे। देखिये ये क्रिकेट कहते हैं कि एक दिन का खेल होता है, कि कोई भी टीम है किसी दिन अच्छा भी परफॉर्म कर सकती है बुरा भी। तो आप भी तो देखें ना, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जी इंडिया की टीम या इंडिया के खिलाड़ी प्राउड हैं, आप सब भी तो बात यही कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ही जीतेगा, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। तो कल को आपको भी नहीं पता क्या होगा। एक ओवर ही जो पूरा गेम चेंज कर देता है। एक ओवर के अंदर 6 बॉलें होती हैं और 6 बॉलों पे 6 छक्के भी लग सकते हैं और 6 बॉलों पे 6 आउट भी हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कल कोई भी टीम जीत सकती है। तो इस चीज़ को पॉजिटिव लें, पॉजिटिव थिंकिंग में जाएं कि हर खिलाड़ी का अपना एक मेयार है। नो डाउट कि पाकिस्तान की इस वक्त बैटिंग लाइन भी अच्छी है और बॉलिंग लाइन तो वर्ल्ड क्लास की है। तो लेकिन इंडिया की टीम भी कम नहीं है, वो भी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। सारा कुछ ओवरऑल भी देखें तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा है। तकरीबन 73 मैचेस पाकिस्तान ने विन किए हैं जिसमें 55। एशिया कप के अंदर कितने मैच हुए हैं आज तक? एशिया कप में 7-8 मैच हुए हैं। एशिया कप में 13 मैच हुए हैं जिसमें 5 पाकिस्तान जीता है और 7 इंडिया जीता है और 1 मैच ड्रा हुआ है। ऐसे है नहीं, अगर आप ओवरऑल भी देख लेना पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह कल भी हम 6 मैचों पे आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इंशाल्लाह।